किसान आज दिल्ली में महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें आंदोलन को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की हैं, जहां पर किसान मजदूर महापंचायत होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि किसानों से जुड़े 400 संगठन इस महापंचायत में शामिल होंगे। सभी किसान ट्रेन और सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज की ये महापंचायत बस एक ही दिन के लिए रखी गई। पुलिस और एमसीडी ने किसानों को इस शर्त पर अनुमति दी है कि वो बिना ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंचें। साथ ही उनके पास कोई हथियार भी नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में 37 संगठनों के किसान नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली पहुंच रहे किसानों का क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम गुरिंदर सिंह खैरा है। मैं भारतीय किसान यूनियन कादियाँ, जो हमारे पंजाब की जथेबंदी है, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से। क्या कुछ मांगे आज आप लोग यहाँ पर फिर से एक बार आए? मांगे कोई नई नहीं है। जब हम आंदोलन पोस्टपोन करके गए थे, सरकार ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे कि हम आपके वादे पूरे करेंगे, लेकिन सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए। वो वादा खिलाफी के लिए आज हम फिर सरकार के पास आए हैं। सरकार का एक रोल होता है माँ जैसा। सरकार को अपनी जनता के हित में फैसले लेने चाहिए। जो सरकार ने हमारे साथ मांगे की थी कि हम आपकी पूरी करेंगे, वो नहीं की। MSP का कानून था, और जो किसानों पर पर्चे किए थे वो रद्द करने की मांग थी, और जो हमारी और मांगे थी, जैसे किसान आंदोलन में जो किसान आए थे उन पर जो केस किए हुए थे वो वापस लेने की बात थी, तो वो सभी फैसले जो सरकार के अधूरे ही रह गए हैं, जिसके लिए आज हमें फिर यहाँ पर कूच करना पड़ा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। बहुत लोग, काफ़ी संख्या में, लाखों का लोग यहाँ पर पहुँच चुका है। अगला कदम क्या होगा अगर मांगे नहीं मानी? ये संयुक्त किसान मोर्चा जो अब पूरे भारत का बना हुआ है, जो फैसला वो लेगा उसे लागू किया जाएगा। अब देखना होगा कि आज किसान इस महापंचायत में क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। क्या किसान जब तक मांगे नहीं मनवाते हैं तब तक घर नहीं लौटेंगे, या फिर सरकार किसानों को आश्वासन देती है? दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।